मोदी सरकार द्वारा जोर शोर से शुरू किया गया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार इस मामले में कदम उठाने के लिए चर्चा जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस रूपरेखा बनकर तैयार नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर चल रहा है, लेकिन कोरोना के चलते ये काम प्रभावित हुआ है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो रोजगार प्रभावित होगा, इसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिलेगा। एक अन्य सूत्र ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसके लिए एक समिति बनाई गई है, जो सभी प्रभावों को देखते हुए एक विस्तृत गाइडलाइन पर काम कर रही है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में एसोसिएशन की पर्यावरण समिति के सदस्य हितेन भेड़ा ने कहा है, शुरुआती दिनों में कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर ही प्रतिबंध लगाने को लेकर काम किया था, लेकिन अब वे इस मामले में कोई रुचि नहीं ले रही है। भेड़ा ने आगे बताया कि घोषणा के बाद से लेकर अब तक केवल सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर एक या दो ही बैठकें हुई हैं। मार्च माह में समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भी दी थी। कोविड के बाद ये मामला रुक सा गया है, मंत्रालय अभी नई गाइडलाइन पर काम कर रहा है। भेड़ा ने बताया कि देश में अभी फिलहाल 50,000 से अधिक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक इकाइयां हैं। इस उद्योग में 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इंडस्ट्री चैम्बर, एसोचैम और ईवाई नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90 लाख टन प्लास्टिक का उपयोग होता है, जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जिसमें गुटखे और शैम्पू के पाउच, पन्नी, छोटी बोतलें, स्ट्रॉ, ग्लास और कटलरी के कई छोटे सामान शामिल हैं। और ये वो प्लास्टिक है जिसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, और यही प्लास्टिक प्रदूषण का बड़ा कारण बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते ई कॉमर्स और संगठित रिटेल उद्योग के कारण लगातार प्लास्टिक की मांग बढ़ रही है। भारत में रोजाना 25,000 मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। इसमें से 94% हिस्सा इस तरह के प्लास्टिक का होता है जो आसानी से रिसाइकल हो सकता है, लेकिन 40% नालियों को जाम करता है, वहीं नदियों को प्रदूषित करता है। रिपोर्ट के अनुसार FMCG सेक्टर प्लास्टिक उद्योग बढ़ाने वाला क्षेत्र निकल कर सामने आया है। वित्त वर्ष 2019-20 में पैकेजिंग इंडस्ट्री के 5.15 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देश में सबसे ज्यादा 35% पैकेजिंग, इसके बाद निर्माण और बिल्डिंग के क्षेत्र में, 23 ट्रांसपोर्ट में, 8 इलेक्ट्रॉनिक में, 8 कृषि में, 7 और अन्य क्षेत्रों में 19% प्लास्टिक का उपयोग होता है।